हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये मल्टी कलर वाला पैटर्न बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। जितना ये प्यारा है, सुंदर है, उतना ही इजी है बनाने में। बिगनर्स इजीली बना लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। और आप इसमें दो कलर लगाएं, तीन लगाएं, या तीन से अधिक, या बचे हुए जितने भी कलर हैं सारे लगा सकते हैं। तो कम से कम दो तो लगेंगे ही, तभी ये अच्छा लगेगा। और ये सिंगल कलर में भी बनता है। मैंने स्वेटर बनाया था सिंगल कलर में, इस वाले पैटर्न का, जेंट्स स्वेटर। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पैटर्न आप बेबी स्वेटर में और लेडीज़ कार्डिगन वगैरह में डाल सकते हैं। मल्टी कलर में इन्हीं के ही अच्छे लगते हैं, लेडीज़ के या बच्चों के। और जेंट्स में यदि आप डालेंगे तो सिंगल कलर में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये केवल एक पैटर्न केवल दो सिलाई में बना है। फिर दूसरा पैटर्न बनाते हैं फंदे चेंज करके, तो दो सिलाई ये हो गई। तो ये चार सिलाई में पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप चाहे कितने भी कलर लगाएं, इसमें दो दो सिलाई में आगे ये बढ़ता जाएगा। इसके लिए हमें फंदे चाहिए। चार की मल्टीपल में हमें इसमें तीन फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं और दो फंदे एस्टिच के लिए लेने हैं। तो इस तरह से हमें फंदे लेने हैं इसमें, या चार के मल्टीपल में हमें इसमें पाँच फंदे ऐड करने हैं, या हम ये भी कह सकते हैं चार के मल्टीपल में एक फंदा ऐड करना है, ये भी कह सकते हैं। जैसे भी आप हिसाब लगाएं, लगा लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 17 स्टिचेज लिए हैं, 4 के मल्टीपल से 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17। तो ये मेरी राइट साइड है, नहीं सॉरी, ये रोंग साइड है। रोंग साइड से पैटर्न शुरू होता है। यदि आपको फंदे बढ़ाने हैं तो राइट साइड से बढ़ाएं और रोंग साइड से पैटर्न शुरू होता है। तो ये ऑफ वाइट है, ये मेरा बेस कलर है, और यहाँ पर मैं सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेकंड कलर ले लिया है, और इससे हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। और ये धागा हम यहाँ पर दबा देंगे ताकि ये निकले ना, इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना देंगे। यदि आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड में फंदे बढ़ा लें और रॉन्ग साइड से पैटर्न हमारा शुरू हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। हर कलर से हमें दो दो सिलाई बनानी होती है। तो ये आ गई हमारी राइट साइड। यहाँ से पैटर्न देखिए कैसे बनेगा। ये मैंने स्टिच स्लिप कर लिया। यहाँ से तीन फंदे लेंगे एक साथ, ऐसे बैक लूप से तीन फंदों में से तीन फंदे ही बनाएंगे। एक, ये दो, फिर से वहीं से हम एक फंदा निकालेंगे, ये तीन। तो देखिए तीन फंदों में से तीन फंदे बना लिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये चार फंदे हो गए। यही चार फंदे इसमें रिपीट होंगे। तीन फंदों का तीन फंदे बनाने हैं इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा बनाना है, और ये लास्ट में तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे ऐसे बैक लूप से। ये एक, और ये दो, और ये तीन। इन्हें थोड़ा सा लूज रखेंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे। ये हमारी दो सिलाई हो गई। अब यहाँ पर हम ये जो बेस कलर है हमारा, इससे बनाएंगे। बेस कलर से ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी साइड पे हर सिलाई उल्टी बनेगी, और उल्टी साइड पे कलर चेंज होगा, क्योंकि दो ही कलर, दो ही सिलाई बनती है एक कलर से।
तो उल्टी साइड पे कलर चेंज होगा और पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। सारे फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। तो ये तीसरी सिलाई है, दो सिलाई मैंने बना दी और ये तीसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो फोर ऑन राइट साइड। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न सेम बनेगा, बस फंदे चेंज हो जाएंगे, स्टिच स्लिप करेंगे। ये तीन फंदों का ग्रुप था, इसमें से दो फंदे बुनेंगे, एक और ये दो। तो देखिए एक फंदा ये, एक फंदा इस ग्रुप में से लेंगे, एक फंदा ये जो हमने सीधा बुना था ये। तो इन तीन फंदों पर पैटर्न बनाएंगे, तीन के तीन बनाएंगे इसी तरह से। अब ये देखिए इन तीन फंदों के बीच वाला जो फंदा है ये हम सीधा बुनेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब इन तीन फंदों पर तीन फंदे बनाएंगे, और ये बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदों में से बीच वाला फंदा। अब देखिए एक इधर से और एक फंदा इधर से रेखिए, तो ये तीन फंदे, इनका तीन फंदे बनाएंगे। इसी तरह से अब लास्ट में दो फंदे बचेंगे, ये सीधे बुनेंगे और स्टिच भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी चार सिलाई हो गई। अब यहाँ पर हम तीसरा कलर लगा लेंगे, मैंने आपसे बोला था कि रोंग साइड पर सिलाई उल्टी आएगी, लेकिन हर बार रोंग साइड पर कलर चेंज होगा। तो इस कलर से हम ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। देखिए पैटर्न हमारा ये चार सिलाई में कंप्लीट हो गया था, और मैंने ये कलर चेंज किया है। आप कितने भी कलर लगा लें लेकिन पैटर्न ये चार ही सिलाई का है। फिर ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी, यानी कि इस वाले कलर में बनाया था। फर्स्ट स्टिच मैंने स्लिप कर लिया, तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से। और एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो देखिए इसी तरह से आ रहा है, एक इसमें से, एक इसमें से और एक ये फंदा। तो ये तीन फंदे, तीन का तीन, तीन फंदे बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, तीन फंदे, तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और लास्ट में तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये स्टिच है जो हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी वैसे तो छह सिलाई हो गई, पर चार सिलाई में पैटर्न पूरा हो गया था। अब हम चाहे जितने भी कलर लगाएं ये हम वो करते जाएंगे, मतलब दो दो सिलाई बनाते जाएंगे। हर कलर के बाद आपको बेस कलर से बनाना है डिजाइन। तो फिर से यहाँ हम बेस कलर से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, हर कलर के बाद हम बेस कलर से डिजाइन बनाएंगे। ये इससे मैं पूरी सिलाई ये उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए ये बेस कलर से मैंने ये सिलाई बना ली है, और फिर से हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये यहाँ बनाया था। एक फंदा सीधा, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे और फिर तीन के तीन बनाएंगे, फिर एक सीधा इस तरह से। जब बेस कलर लगाएंगे हम बेस कलर में बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, और जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो शुरू में ही तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे। तो बस इस तरह से इसका क्रम चलता रहेगा। कोई सा भी कलर लगाएं आप, फिर बेस कलर से बनाएं, फिर कोई सा भी कलर लगाएं, फिर बेस कलर से बनाएं, तो आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाले कलर रखे हैं, तो कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पैटर्न भी अच्छा लगा होगा और हमारा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।